मैं 30 को मैं शिफ्टिंग करूंगा सोच रहा हूँ, संडे है। अच्छा, वर्ल्ड इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे है। कभी भी कुछ भी चक्कर में पड़ जाओ, पर ड्रग्स का चक्कर में मत पड़ो। ये आपका लाइफ आपका तो स्पॉइल करेगा, पर फैमिली को भी स्पॉइल कर रहा है। एक महीना पहले एक इंसिडेंट हुआ था, हम लोग का एक भाई का एक्सीडेंट होके ही बर्न्ड ए लाइफ। इन चीज़ों को शेयर मत कीजिए, और चाहे तो अगर किसी का भी फेसबुक अकाउंट या कहीं भी वो वीडियो अगर पड़ा है तो प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। एनवायरमेंटल साइंस या स्टडीज? अभी अपना लेवल में मेहनत करता है, क्योंकि अपना पहचान बनाने लगे लग, खुद का लेवल में मेहनत करना ही अच्छा है, क्योंकि दोस्त लोग का सपोर्ट में तो बनेगा, पर कुछ एक लिमिट तक। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बॉय प्रीतम, अच्छे मैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट भी प्रीतम हूँ। जहाँ भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती करो, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फिलहाल इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 11 बजे कर रहा हूँ। एक्चुअली आज सुबह 6:30 से मैंने वो कंपार्टमेंट बेस को ट्यूशन लिया था, 10:30 तक पढ़ा है, उसके बाद छुट्टी दिया, क्योंकि मैं 30 तारीख को जाने वाला हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा कोर्स को स्पीडली आगे बढ़ाने के लिए आज मैंने फिजिक्स पढ़ाया था, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर को पढ़ाया था। एंड मैं उन लोगों का ऑनलाइन कोचिंग भी लूँगा, बाकी जितना का फीस रिटर्न करना था वो फीस भी रिटर्न कर दिया। बाकी वही पापा मम्मी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, अभी शिफ्टिंग करना पड़ेगा तो बहुत सारा काम है। 30 को मैं शिफ्टिंग करूंगा सोच रहा हूँ, संडे है, तो बाकी दोस्तों को भी बुलाऊँ। एंड कल मेरा कार्टून लाना नहीं हुआ था, आज एक कार्टून लाऊंगा। रूम का हालत ऐसा ही है, तो अभी ब्रेकफास्ट करने बाहर जाऊंगा। कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था, खाना ऐसे रहेगा, उसको फेंकना पड़ेगा। खाना फेंकना तो अच्छा नहीं लगता, और आके फिर पूजा वूजा करना पड़ेगा। एंड आज आपको सबको पता है कि आज वर्ल्ड इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे है, तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो यूथ है वो ड्रग्स के नशे में ना जाए। मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया, हम लोग कितना सारा मतलब गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स निकला है, मतलब ड्रग्स छोड़ो खेल से जीरो, ऐसे लोगों को समझाने के लिए ना। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, भी मेरे ब्लॉग्स देखते हो, जितना भी यूथ हो, कभी भी कुछ भी चक्कर में पड़ जाओ, पर ड्रग्स का चक्कर में मत पड़ो। ये आपका लाइफ आपका तो स्पॉइल करेगा, पर फैमिली को भी स्पॉइल कर देगा। मेरे पास एकदम गरम गरम एग्जांपल्स भी है। रिसेंटली मैंने बहुत सारा रिहैब में बच्चे देख के आए हैं, मेरे एरिया का बच्चा भी कुछ उसे ड्रग से लिपटा हुआ था। लास्ट ईयर का पहले ईयर भी एक बच्चा मर गया था। तो हम चाहते हैं कि आप ड्रग्स से दूर रहो, ये बहुत ही बुरी नशा है ना, इससे आपका ज़िंदगी तो ख़राब होता है, आपका माता पिता भी मतलब ट्रॉमा में चला जाता है बच्चा कैसा होने से। तो मेरा भी खुद का वो था कि ड्रग्स छोड़ो, एक्सप्लोर करो, राइट, कि ड्रग्स में जो पैसा लगाओगे अपने खुद को ख़त्म करने के लिए, वो पैसा बचाओ और दुनिया को एक्सप्लोर करो, हिचहाइकिंग करो, कैसे भी करो, लेकिन अच्छा चीज़ तुमको सीखने मिलेगा उससे, राइट। तो सबसे ये निवेदन है कि कभी भी ड्रग्स का सेवन ना करें, इट्स वेरी हार्मफुल, आपका साथ में आपका फैमिली को भी ले डूबेगा, राइट। तो ये बहुत ही ख़राब नशा है। तो अभी चलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करना आंटी के दुकान में, उसके बाद आके हमको बहुत सारा काम करना है। यहाँ पे आप देखिए बर्तन वर्तन धोना, और यहाँ पर कुछ पैकिंग करना शुरू कर देगा, अभी हम पैकिंग करना है, और वहाँ चाय सुबह बनाया था मैंने, उसको धोना है मुझे। चलो चलते हैं। A few moments later. ब्रेकफास्ट करने आ गए आंटी का दुकान, और आज है यहाँ पे सोयाबीन सब्जी और पराठा, खाते हैं फटाफट। ब्रेकफास्ट करना हो गया, अभी निकलेंगे, बाइक को यहाँ पार्क किया था, वेदर काफ़ी बढ़िया है आज का, थोड़ा मार्केट जाएगा, वहाँ से कार्टून लेके घर चले जाएंगे सीधा। ब्रेकफास्ट करके आके सीधा घर पे आ गया था, आके अबाउट मैं 11:30 से 2 बजे तक ट्यूशन लिया है। एक्चुअली मैं चला जा रहा हूँ तो कंपार्टमेंट बेस का कुछ स्टूडेंट को अलग से मैं क्लासेस ले रहा हूँ। एंड उसके बाद बहन से बात किया, इस वीडियो में कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली एक महीना पहले एक इंसिडेंट हुआ था, हम लोग का एक भाई का एक्सीडेंट होके ही बर्न्ड ए लाइफ, आपको पता होगा। तो बहुत ज़्यादा फेसबुक में या अलग जगह में शेयर किया जा रहा है, तो मेरा तरफ से मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, अलग से एक वीडियो भी बनाऊँगा कि भाई आपको फैमिली का सिचुएशन भी सोचना है, इन चीज़ों को शेयर मत कीजिए, और चाहे तो अगर किसी का भी फेसबुक अकाउंट या कहीं भी वो वीडियो अगर पड़ा है तो प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, उसका फैमिली का तरफ से भी रिक्वेस्ट है। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका फैमिली में अगर ऐसा हो और आप इस वीडियो को बार बार आपका मम्मी पापा क्लिप देखते रहे, तो उनको और कमज़ोर महसूस होता है और तकलीफ होता है, राइट। तो उन फैमिली से भी मैं बात किया था, दम्बू के ही है, तो वही कहना चाहता था कि अगर मेरे सब्सक्राइबर में भी कोई भी है, अगर वीडियो आप लोग रखे हो तो प्लीज़ डिलीट कर दो, एंड डोंट पोस्ट इन एनी सोशल मीडिया, बिकॉज उनका फैमिली का बारे सोचो कैसा गुजर रहा होगा, उनका जवान बेटा था, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अभी फटाफट से नहा लेता हूँ, काफ़ी देर आकर रेस्ट लिया, एंड बैंक में भी आया था बीच में कुछ काम से, वहाँ पर भी 1 घंटा बिताया, अभी जस्ट घर पे आया हूँ, ट्यूशन भी हैदराबाद में, लेकिन पहले मैं नहा लेता हूँ, नहा के पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद क्लास करना शुरू करेंगे, बने रहिए ब्लॉग में।
गाइस नहाने का पहले मैंने बर्तन वर्तन को धो लिया क्योंकि बर्तन सुबह से बहुत सारा रखा हुआ था। ये बर्तन धो लिया एंड यहाँ पे एक प्रेशर कुकर बचा हुआ है, पानी भरना है। पानी भर के ये वाला पानी भरना है और यहाँ का पानी भर के नहा लेते हैं फटाफट, नहा के पूजा देते हैं। एक बेस को तो मैंने नहीं पढ़ाया, तबीयत तो अच्छा नहीं लग रहा है। चार बेस पढ़ाऊँगा छोटा बच्चा लोग ग्रुप को, फटाफट से नहा लेते हैं पानी भर के। गाइस नहा हुआ के फटाफट से हमने पूजा वूजा भी कर लिया और यहाँ पे देखिए पूजा वूजा दे दिया। अभी अगरबत्ती जलाऊंगा, बच्चे भी आ गए, इन लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी फटाफट से अगरबत्ती जला के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसको बच्चे लोग पढ़ाना शुरू करेंगे। दिन में कुछ तो खाया नहीं हूँ लेकिन रात को तो इन्विटेशन है अपना सानू भाई के घर पर, रात का खाना वहीं पर होगा। तो अभी पूजा करके कुछ हल्का सा खा लेते हैं एंड बच्चे लोग टेस्ट दे रहे हैं, इन लोग का अभी लास्ट चार दिन ही है तो फटाफट से काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अपना पूजा ख़त्म और यहाँ पे हमारा तीन बच्चा परो 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 परो, इन लोग का लास्ट थ्री डेज का क्लास। अभी तुम क्या पढ़ रहे हो? जियोग्राफी। तुम ईवीएस? ईवीएस का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल साइंस या स्टडीज। और आप क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स। आज का एग्जाम अच्छा है? टेस्ट लिया ना? नहीं लिया? नहीं लिया, लेगा होगा, याद है ना तीनों क्वेश्चन? चलो बढ़िया, उसे हटा देते हैं हम। चलो जल्दी जल्दी याद करो, क्विक। गाइस मेरे तीन छोटे बच्चे चले गए टेस्ट देके, अभी फटाफट से जाके कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद फिर से बच्चे आने वाले ना, फिर वक्त नहीं मिलेगा, बहुत जोर से भूख लग रहा है। एंड ये तीन बच्चे भी मेरा सबसे पहला, मतलब मेरा फैमिली के बच्चे हैं तो कभी कभी डांटना भी पड़ता है कभी कभी, क्योंकि हम बच्चों से ना डील नहीं कर पाते। मतलब छोटा बच्चा लोग बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप पुराना वीडियोज़ देखना मेरा, कभी कभी मेरा डांट का वीडियोज़ भी देखते होंगे तो सोचा ऐसा क्यों पढ़ाता है, ऐसा क्यों करता है, कमेंट भी करते हैं लोग कि इतना रूडली क्यों बात करता है। मैं बच्चों लोग को इतना ही ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, लोग बातें नहीं सुनते मैं। और फैमिली का आने से तो ये तीनों फैमिली जैसे ही है क्योंकि बहुत पुराना समय पहचानते हैं, तो भैया जैसा मानता है, तो मेरा बात ही नहीं सुनता, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उपाय नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं आता या डिसिप्लिन सिखाना नहीं आता, आता है, कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं वरना सुनता नहीं ना, क्या करें, क्योंकि हम पीटता नहीं है, कभी हमको बहुत माया लगता है बच्चों को। हम अपना भांजा को भी बड़ा किया ना, तब कभी उसको जोर से हवा से डांटता भी नहीं। और स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ाते थे उस स्कूल का पुराना वीडियोस लिख लेना, किसी बच्चों से पूछ लेना प्रीतम सर कैसा पढ़ाता है, और प्रीतम मेरा क्लास में ना सब खुश होकर हंस के बैठते हैं क्योंकि बहुत मस्ती मजाक से पढ़ाते हैं। क्योंकि बच्चों को अगर आप ज़्यादा डांट देते हो तो ट्रॉमेटिक हो जाता है वो कभी कभार ना, तो कभी कभी छोटा क्लिप देख के भी लोग जज कर लेते हैं, उपाय नहीं है। आप देखो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, आपका काम है कमेंट रखना, राइट टू स्पीच सबको, अब क्या बोलूँ, राइट। तो चले गए, अभी दो तीन दिन रहेगा, तो आज बता रहे थे वो हमको, अभी आप जाएगा तो हम काम में पड़ेगा क्योंकि दूसरा जगह मेरे टीचर लोग बहुत डांटता है पीटता है ना, और हम करता नहीं वैसे। चलो कुछ खा के आते हैं, मिस करेगा सब बच्चों लोगों, सारे बच्चों को मिस करूँगा, एक महीने में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होगी तेन लोगों साथ। चलते कुछ खा के आते हैं। ये गाइस शाम का 6 बज रहे हैं और सारे बच्चों को छुट्टी दे दिया, आज थोड़ा जल्दी छुट्टी की बिकॉज मेरा ना तबीयत ठीक नहीं लग रहा था ऐसा, मतलब पेट खराब हो रहा है, सुबह से लूज मोशन है एंड तब खाने के लिए जाऊंगा ज़्यादा नीचे जैसे ही गया, अब स्टूडेंट आ गया तो उन लोग फिर क्लास करा दिया, वक्त नहीं मिला मुझे, 4:30 से रहता था क्लास 10 का, तो बच्चे गए उन लोग आ गए तो क्लास ले लिया। अभी मार्केट जाऊंगा, पहले ORS और टेबलेट खाऊंगा, उसके बाद कुछ खाऊंगा, बहुत पेट खाली खाली की वजह से ऐसा हो रहा लगता है। खाने के बाद उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगा सानू लोग से मिलने, और कार्टून वार्टून जो बोला था उन लोग को लेके आऊँगा, पर तबीयत खराब लग रहा है। एंड मेरा बाल इतना ज़्यादा गिर रहा है ना गाइस, इतना ज़्यादा बाल कभी नहीं गिरा ज़िंदगी में, पर टकला ही हो गया आगे से। तो चलते हैं अभी मार्केट जाके मिलते हैं। गाइस काफ़ी दिनों बाद हम KGF में आ गए क्योंकि बहुत दिन से KGF का कुछ खाया नहीं था, और यहाँ पे आते ही हमने चिकन फ्राई राइस ऑर्डर दिए। ये देखो चिकन फ्राई राइस, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आया हुआ था, फ्राई राइस देखते ही मुझसे रोका नहीं गया क्योंकि काफ़ी ज़ोर से भूख लगा था तो मुंह में पानी आ रहा था, फटाफट से खाना शुरू कर दिया। एंड रियली जैसे KGF के एम्बियंस वैसे KGF का खाना, खाओ गुड फूड। तो जब भी आप पासीघाट आओ तो लेंजिंग डोमिंग का KGF कैफे में जरूर विजिट करना। The next morning. Okay, good morning guys. This is the next day actually. कल शाम को हम KGF से हम और मेरा फ्रेंड गए थे, वहाँ पे जाके हमने फ्राइड राइस खाया था, फ्राइड राइस का काफ़ी ज़्यादा पेट भरती हो गया, तो उसके बाद ना मेरा फिर से सुबह से लूज मोशन का प्रॉब्लम चल ही रहा था, दवाई लिया, नारियल पानी भी पिया पर ठीक नहीं हुआ, तो घर पे आके सीरियस हो गया। सुबह उठ के मैंने क्लास वास पूरा कराया, अभी दिन का 10:30 बज रहे, अभी ब्रेकफास्ट करूंगा एंड पैकिंग वैकिंग भी चल ही रहा है, घर का हालत पूरा खराब देख सकते हैं, एकदम दिखाने लायक नहीं है।
एंड बहुत लोग मेरा जो दोस्त लोग है कोई कोई मेरा वीडियोस देखते हैं नागालैंड से, ऐसे तो मेरा सब्सक्राइबर्स नागालैंड से है नहीं, तो अभी मेरा पुराना बहुत सारा सब्सक्राइबर है जो नागालैंड का देखते जो बाहर रहते थे, तो उन लोग बोल रहा था कि भाई नहीं जाओगे क्या? देखो जाने का तो दिल है पर ना मेरा और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बढ़ जाए तब मैं जाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता है कि अपना सब्सक्राइबर को ग्रोथ करे। मेरा चैनल भी बहुत दिन से मतलब लाइक डेट जैसे ही है, मतलब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ग्रो करना चाहता हूँ पर ना किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं नागालैंड को पहले से फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉग में आपको बोला हूँ कि नागालैंड में एक्सप्लोर करूंगा। मैं नागालैंड गया भी हूँ 2-3 बार, मैं दीमापुर में नर्म में गया था, उसके बाद में जाने का बहुत बार प्लान बना, 2-3 बार कैंसिल ही हुआ। तो इस बार थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्ट मिल जाए तो मैं उनका घर पर जाकर स्टे करूंगा, क्योंकि मेरा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है और या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाए उसके बाद जाऊंगा। चैनल ग्रोथ होना है, होगा कभी ना कभी होगा, दोस्त लोग का ग्रोथ हो रहा है, उन लोगों का साथ रहेंगे तो अपना भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, पर अभी अपना लेवल में मेहनत करते हैं, क्योंकि अपना पहचान बनाने लगे ना खुद का लेवल में मेहनत करना ही अच्छा है, क्योंकि दोस्त लोग का सपोर्ट में तो बनेगा पर कुछ एक लिमिट तक। जैसे मैंने लेंजिंग रोमिंग के साथ एक वीडियो बनाया था तो 26,000 व्यूज आया था, पर उसका जो सब्सक्राइबर आया था ना वो एक भी रिटर्निंग सब्सक्राइबर नहीं, वो एक वीडियो देखकर चला गया, तो वो एक हिट में निकल जाता है, पर लॉन्ग टर्म रहने वाला सब्सक्राइबर अच्छा होता है, तो कनेक्शन बनने देगा धीरे धीरे, होके भी 10-15 आएगा तो कहीं ना कहीं अच्छा लिंक मिलेगा, तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि नागालैंड एक्सप्लोर करना है और सेब नागा का फैमिली में जाना है और जितना भी वहाँ पे है दोस्त लोग जहाँ जाए वहाँ पे भी एक एक दिन जाएंगे। अभी मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ा है, दोस्तों को भी देखा कि एक ही साथ में दोस्त लोग भी गए, उन लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करने गए वहाँ पे, एंड सब एक साथ जाने से ना दिक्कत हो जाता है, मैं देखता हूँ ना, एंड बच्चे हैं, पढ़ाई भी चलता है, क्योंकि बीइंग अ टीचर हमको किसी जगह में बैठने से, मैं वहाँ पे ज़्यादा बैठता नहीं क्योंकि वहाँ पे जाके बैठेगा तो बच्चे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, स्कूल ओपन हो चुका है अभी तो अपना वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मतलब ना। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि फ्री माइंड करके आओ थोड़ा सा, अभी तुम यहाँ से जा रहे हो थोड़ा घर पे स्टार्ट करने से पहले 5-6 दिन घूम के आओ, नहीं अभी नहीं जाएंगे। अगर फ्रेंड लोग बोला तो भी नहीं अभी नहीं जाऊँगा, अभी घर पे जाकर सेटल वेटल करते हैं, विंटर में या थोड़ा बीच में अगर हमको 10-15 दिन का छुट्टी मिला या 10 दिन का भी छुट्टी मिला तो मैं बाद में कॉन्टेक्ट करके जाऊंगा, क्योंकि मुझे मिलना सबको है, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को देखिए कि मैं सैम पिंजरे को मिलने के लिए इतना दमबुक से गया था पर मैं लेट हो गया था, उन लोग निकल गए थे, बिकॉज अच्छा लगता है उन लोगों को, राइट। तो मेरा ये कहना है कि अभी फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ, जरूर जाऊंगा क्योंकि मुझे नागालैंड एक्सप्लोर करना है, चाहे 4-5 बार मैं जाऊँ धीरे 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 एक्सप्लोर करूँगा। और इस बार तो हम लोग का NERM का मीट भी है तुरा में, तुरा आपको पता है मेघालय में है, मेघालय भी घूमने का बहुत मन है, अजमेर भाई तो हमारा मेघालय शिलोंग घूम के आए, हमें तो घुमा भी नहीं, पर पहले अपना सिचुएशन को स्टेबल कर लेता हूँ, बहुत सारा सिचुएशन चल रहा है, पापा ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं तो पहले वो सब हैंडल कर लेता हूँ, घर परिवार देखता हूँ, पापा मम्मी का तबीयत भी मैटर करता है, मेरा सब कुछ सेटल करता हूँ, उसके बाद करेंगे, आप लोग सपोर्ट बनाए रखना बस। इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं फिर से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक खुश रहिए, अपने मन के कर में दिल के सुनते सुबह प्रीतम साइनिंग आउट, जय हिंद जय भारत, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और मेरा इंस्टाग्राम का नाम चेंज किया मैंने, आई एम प्रीतम रखा, तो जाके चेकआउट कर लेना, बाय बाय।